Have you ever had a trip जहां you face more challenges than ever? आज एक कहावत सच होगी that life is very unpredictable. Well, this is my journey, which is full of uncertainties, पर फिर भी चलते रहे to seek the peace in the most challenging situations. तो बस अंदर से एक आवाज आई और निकल गए इन झरनों की तरफ. दिस इज माई कॉल ऑफ द फॉल. आफ्टर 5 आवर लॉन्ग ड्राइव मर्फी और मैं आ गए मडिकेरी विथ फुल एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस. सो इस जर्नी का पहला ही चैलेंज हम फेस करते हैं फर्स्ट डे एट निशानी बेट्टा ट्रैक. वी स्टार्टेड एट 4 इन द इवनिंग. हम अकेले ही इस फॉरेस्ट रूट पे चलने लगे. आगे बढ़ते गए और ये डेंस फॉरेस्ट रूट और डेंस होने लगा. Even after walking for almost an hour, we were still in this dense forest. Return इस route पे अंधेरे में आना पड़ सकता है, ये सोच के हम वहीं रुक गए और वापस चल दिए, without reaching the peak. नया दिन, नई सुबह और नई hope के साथ, we started for Abbey Falls. यहां आते ही वी वर वेलकम्ड बाय द नेचर. जितना सुंदर ये झरना है उतना ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है. सो इधर क्राउड काफी था एंड इसलिए वी मेट अ फ्यू गुड पीपल एज वेल. पर जो पीस की तलाश में हम यहाँ आए थे वो हमें क्राउड होने के कारण नहीं मिल पाई. और अब आता है हमारा अगला चैलेंज टुवर्ड्स मंडलपट्टी पीक विच इज 14 किलोमीटर्स फ्रॉम एबी फॉल्स. पर यहाँ का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है. बट आफ्टर क्रॉसिंग दिस रोड ऊपर पहुंचे तो पता चला दैट डॉग्स आर नॉट अलाउड. सैडली हमें हमारे होमस्टे वापस जाना पड़ा एंड आई हैड टू लीव मर्फी बिहाइंड as owner agreed to look after him. But leaving Murphy was tough and not something I wanted to do. As I said, life is unpredictable. But we have to keep moving. So now chal diya hu Mandalpatti ki taraf. Upar pahuncha to ek aur cheez pata chali that drones are not allowed. So ab camera leke baith gaya forest jeep mein to reach Mandalpatti peak. पीक पे आया तो हवा काफी तेज चलने लगी एंड इवन दो इट वॉज सनी ठंडी हवा के कारण काफी अच्छा लगने लगा. तो मन हुआ कि क्यों ना इस नजारे को अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया जाए. पर धूप और तेज होने लगी एंड मर्फी के बिना काफी अधूरा सा फील हो रहा था. तो बस मंडलपट्टी से जाने का समय आ गया.
मंडलपट्टी से ही कुछ दूर एक हिडन वाटरफॉल है, तो सोचा उसको तो मिस नहीं करना चाहिए। तो गोल्डन आवर में पहुंच गया मैं कोट्टे एबी फॉल्स। ये जगह पे आके ऐसा लगा जैसे मैं किसी फेरी टेल में, नेचर के बीचों बीच। वो पानी के बहने की आवाज और गोल्डन आवर में पानी क्रिस्टल की तरह शाइन कर रहा, ये सब मैजिकल था। जो सुकून हमें चाहिए था वो यहां है, पर सैडली मर्फी इसे विटनेस नहीं कर पाया। एंड फाइनली रीयूनाइटेड विथ मर्फी। होमस्टे ओनर ने पास में ही एक हिडन व्यू पॉइंट के बारे में बताया, तो सोचा क्यों ना मर्फी के साथ थोड़ा घूम के आया जाए। ये प्लेस एक सरप्राइज से कम नहीं थी। यहाँ से निशानी बेट्टा का बहुत ब्यूटीफुल व्यू। कल जहाँ से वापस होना पड़ा, आज वही देख के माइंड बेहद रिलैक्स हो गया। एंड देन आफ्टर दिस लॉन्ग डे वी जस्ट सैट एंड एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल सनसेट। फाइनल डे, फाइनल चैलेंज। सुबह निकल गए हम कोटा बेट्टा पीक के लिए और रास्ते में फंस गए हम जेसीबी लोडर के पीछे फॉर 1 आवर। यहां से निकले तो काफी लेट हो गया था एंड गर्मी और ज्यादा। इतनी गर्मी में हम यहाँ पहुंच तो गए, पर सेक्रेट टेंपल जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो लॉक मिला। मंदिर के जस्ट पीछे पहाड़ के अंदर जाते हुए केव मिली। अंदर जाने का ट्राई किए बट इट वॉज पिच ब्लैक एंड मर्फी भी अंदर जाने से कतरा रहा था। और यहां से भी हमें वापस होना पड़ गया, पर इस जगह का व्यू एंजॉय करे बगैर नहीं। क्लिफ के किनारे बैठते ही ठंडी हवा चलने लगी, मानो जैसे ये जगह चाहती थी कि हम यहाँ आए। And now, towards our final destination for our call of the fall. मलाली फॉल्स, जहां हमें एक नहीं बल्कि 3 फॉल्स देखने को मिले। गर्मी के बावजूद भी पानी के कारण हवा में एक अलग सी ठंडक थी।
This place made me realize that the challenges we faced during our trip were all worth it. इस जर्नी में वी फेस्ड अ लॉट ऑफ टफ सिचुएशन पर इन सब के बावजूद द थिंग आई एंजॉयड द मोस्ट वॉज ड्राइविंग एंड दिस मेड मी रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू ट्रैवल एवरी सिंगल पार्ट ऑफ दिस कंट्री इन माई कार. That's my dream, and I'm gonna live it.